अब लाइलाज नहीं रहेगी आंखों की बीमारी। आपको बताते चलें कि आंखों की जटिलताओं के कारण भारतीय में दृष्टि और अंधापन एक गंभीर समस्या है। इसके पीछे का मुख्य कारण मोतियाबिंद दृष्टि दोष, डायबिटीज और ग्लूकोमा को बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक भारत जैसे देश में 80 लाख से अधिक लोग दृष्टिहीन हैं। अगर समय पर उपचार संभव ना हो पाए तो भारी संख्या में लोगों को अंधा होने से बचाया जा सकता है। आई लैसिक हाउस की डायरेक्टर मिसेज वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा अग्रवाल ने बताया कि आंखें हमारे शरीर का बहुमूल्य अंग है, लेकिन आंखों में होने वाली बीमारी के प्रति लोग बहुत लापरवाही करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए नए उपकरण लाए गए हैं, जिससे आयुष्मान कार्ड धारकों को भी कानपुर में भी दिल्ली मुंबई महानगरों जैसी सुविधा मिल सके। डॉक्टर उमा अग्रवाल ने यह भी बताया कि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फोल्डेबल लेंस की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रखी गई है। कानपुर की ब्यूरो रिपोर्ट। तो जैसा मैंने बताया, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा हूं। मैं ये जो संस्था आप देख रहे हैं, सर समन्वय फाउंडेशन, इसमें मैं टेक्निकल एडवाइजर हूं। एडवाइजर की कैपेसिटी में मैं काम कर रहा हूं इसमें, और नाम का तो परिचय इन्होंने दे ही दिया। ये यहां के डायरेक्टर है इंडिया, ये आईएलएस हाउस है। तो ये हमारा परिचय है, और साथ में हम, जैसा मैंने बोला, एक कम्युनिटी ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी का प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसको हम मिशन दृष्टि बोल रहे हैं। उसके अंदर ये सारे काम करे जाएंगे। और जो आप जानना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि एक तो ये जो प्राइवेट फैसिलिटी है ये आयुष्मान से अप्रूव हुई है 2 दिन पहले ही। कल तक यहाँ पे 3 केस हुए हैं। तो एक तो लोगों को अवेयर कराना है कि एक ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे है शहर के बीचों बीच, जहाँ पे क्वालिटी आई केयर सर्विसेज पे बात करी जाएगी, जिसमें उनके फॉलोअप पे ध्यान दिया जाएगा। जो भी लोग जाए सेटिस्फाइड होके जाए। तो यहाँ पे क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे बहुत बड़ा फोकस है। चाहे हम एक किसी बड़े अस्पताल के कंपैरिजन में उतने केस ना कर पाए, पर जितने करें वो बेस्ट क्वालिटी के करे जाएं, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। आधे लोग को मैं सुनता हूँ, लोग बड़े बड़े अस्पताल से करा के चले आते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और आंखों की बात होती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आगे बढ़ जाती हैं। तो क्वालिटी केयर पे मैम का फोकस है शुरू से रहा है, तो उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि 5,000 की जगह चाहे 500 केस करें, पर सब ठीक होने चाहिए। इनको कैंप के ऑपरेशंस की तरह नहीं किया जाना है, क्योंकि आंख चाहे मरीज पे नहीं भी कर पा रहा है, उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट है। जिसके पास पैसे नहीं है वो आयुष्मान के थ्रू अगर सर्जरी करा रहा है तो, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उसको ठीक कराने के लिए उसके पास वाकई पैसे नहीं। तो कोशिश ये है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसको हर प्राइवेट कार्ड नहीं है हमारे पास, कुछ लड़के हैं जो कोशिश करेंगे कि उनको आयुष्मान कार्ड बनवा के दें, और तब तक के लिए उनका इलाज किया जाएगा जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। कोई बहुत नीडी है तो उससे हम लोग CM फंड से भी मनी उनका अरेंज करा के उनका सर्जरी कर सकते हैं। पैसे की वजह से उनकी रोशनी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है वो नहीं पे कर सकते तो रोशनी चली जाएगी। कोशिश ये है।